एक तरफ जहां देश भर में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, वहीं चुनावी माहौल में असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने आज कहा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजलों के दाम में 5 रुपए की कटौती की गई है। इसके साथ ही शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई। नई दरें और टैक्स आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगे। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आज विधानसभा में नए दौर का ऐलान किया। असम में मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं। सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता की कुर्सी पर अपना कब्जा कायम रखना चाहती है। बता दें कि पिछले साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ाई थी। पिछले साल अप्रैल महीने में असम में पेट्रोल 5.85 पैसे और 5.83 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी का विरोध विरोधी दल ने जमकर किया था। उस दौरान तेल की कीमतों को बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि एक बार जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब कीमतों की समीक्षा की जाएगी और राज्य सरकार ने उस वक्त कीमतों को बढ़ाने के पीछे राजस्व में घाटे का हवाला दिया था। असम में चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था, आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन के बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने 2 बड़े अस्पताल समेत कई प्रोजेक्ट असम को सौंपे थे।